Hello students, today we are going to discuss this topic from the current affair, and topic is malnutrition and hunger. तो हमें पता है जैसे recently अभी अभिजीत बैनर्जी को नोबल प्राइज मिला है फॉर इकोनॉमिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द ग्लोबल पॉवर्टी. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके साथ ये क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो काफ़ी पीछे है, 102nd अमंग द 117 नेशंस, तो इसकी वजह से भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम अगर देखें तो दो जो मेन टर्म्स हैं वो है हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, और ये दोनों टर्म्स अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं. इन द फर्स्ट टर्म विच इज़ हंगर, अगर हम इसको कंसीडर करें, इट इज़ द इनसफिशेंट इनटेक ऑफ कैलोरीज विच रिजल्ट्स इनटू द अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल सेंसेशन विच इज नोन एज हंगर. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा, हमारी कैलोरीज एडिक्वेट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर हंगर जो है कॉज होती है. एंड एट प्रेजेंट देयर आर अप्रॉक्स 800 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हु आर हंगरी. एंड द सेकेंड टर्म इज फूड इनसिक्योरिटी, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हंगर इन द टर्म्स दैट here you are getting adequate amount of food, you are getting sufficient number of calories, but you are not sure that it will remain continuous in the long term. yani ki aapki regular access nahi hai to the sufficient amount of food, and that is known as food insecurity. ye moderate ho sakti hai, severe bhi ho sakti hai, but here the point is ki whenever there is food insecurity, aapko food mil raha hai, आप उस चीज़ को रेगुलर करने के लिए बाकी की जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप इग्नोर करोगे. तो यहाँ पर पॉइंट है कि ड्यू टू द फूड इनसिक्योरिटी मैनी अदर बेसिक नीड्स आर बीइंग इग्नोर्ड. फॉर एग्जांपल प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर थिंग्स. तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रही है. ओके, तो जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इट यूजेस टू इंडिकेटर्स. One is prevalence of the undernourishment, and second one is the prevalence of the moderate and severe insecurity. In this indicator, it assesses that how much amount of undernourishment is there. कि कितने लोगों को जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड जो मिल रहा है, कितने जो लोग हैं वो हंगर में है, ठीक है, तो वहाँ पर कैलोरी इंटेक उनका कितना है और फ्यूचर में उनको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है ड्यू टू द लैक ऑफ द फूड, ये सारा इसके अंडर असेस किया जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, कि किन एरियाज में जो पीपल है वो लॉन्ग टर्म अपना एक्सेस नहीं बना पाएंगे टू द फूड, जिनकी वजह से उनको फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कंसिडर करें जो डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसके अंडर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स 700 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज आर अंडर नरिश्ड, एंड 149 मिलियन ऑफ एज ऑफ 4 ईयर्स और यंगर देन दैट आर स्टिल शॉर्ट टू देयर एज. इट मीन्स दे डोंट हैव हाइट अकॉर्डिंग टू देयर एज. ओके, तो दे हैव स्टंटेड ग्रोथ ड्यू टू द लैक ऑफ द फूड. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 50 मिलियन आर अफेक्टेड बाय वेस्टिंग, दैट इज क्रोनिक डिबिलिटेटिंग थिननेस. अब ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उनमें ये प्रॉब्लम जो है डिजीज होती है क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग थिननेस. एंड द रीज़न फॉर दैट इज क्योंकि जो फर्स्ट 1000 ईयर्स होते हैं राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू द 1000 डेज, इन 1000 डेज में चाइल्ड को बहुत ही क्रूशियल अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनको मिलने चाहिए. अगर वो नहीं मिलते तो फर्दर बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, उससे क्या होगा रिड्यूस आईक्यू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, तो ये यहाँ पर हमने बात करी है हंगर और फूड इनसिक्योरिटी की. तो अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 इंडिकेटर्स, और वो 3 इंडिकेटर्स हम पीडीएफ में मेंशन करेंगे जो कि जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जाएगा. और इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2000 में आज से फार बेटर थी, 83 रैंक था इंडिया का अमंग द 113 नेशंस.
2018 mein it slipped backward to 103rd rank among the 119 nations, but is saal jo iska rank hai wo 102nd hai among the 170 nations. To kafi downfall aaya hai India ki ranking mein, India ki performance mein. To और अगर हम डाटा देखें, इसमें जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम डाटा को ध्यान से देखें तो जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से जो डेथ हो रही थी उसमें गिरावट आई है. जो एक्चुअल में नंबर्स हम बिलीव कर रहे थे उसका 1/10 जो है सिर्फ वही जो डेथ्स हैं जो कि ड्यू टू द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की वजह से है. लेकिन अब जैसे ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे हाई एनर्जी फूड्स को जनरेट किया, जैसे इसमें ये एक पीनट बटर जैसी कोई आइटम थी जिसको हम रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड कहते हैं, जिसको RUTF के नाम से हम कंसीडर करते हैं. और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फूड है ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में हंगर नहीं, फूड इनसिक्योरिटी है. अगर ये फूड पीपल को हम प्रोवाइड करते भी हैं लेकिन जो उनकी बाकी की जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि सैनिटेशन है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है, उसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को घेर लेती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं. एंड वन मोर पॉइंट हेयर इज हिडन हंगर. हिडन हंगर इज लैक ऑफ मिनरल्स इन द डाइट ऑफ यंगस्टर्स और एसेंशियल विटामिंस आर एब्सेंट इन द डाइट. तो उससे क्या होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इट इज जनरेटेड इन द पॉपुलेशन. और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है क्योंकि ड्यू टू द फूड इनसिक्योरिटी पीपल आर गोइंग फॉर द चीप फूड एंड दोज चीप फूड्स आर हैविंग अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स एंड हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो उससे क्या होता है ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी. अब क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी है तो वो ज़्यादा देर तक जो गुड फूड है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं या फ्रेश फ्रूट्स हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दे आर स्विचिंग ओवर टू द चीप फूड विच इज़ हैविंग हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स कोलेस्ट्रॉल. तो ये उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रूशियल कर देगा. नेक्स्ट वन इज पॉइंट वही सेम है कि फर्स्ट जो 1000 डेज होते हैं फ्रॉम राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू द 1000 डेज, तो वो उसको इग्नोर किया गया है. वहाँ पर प्रॉपर डाइट नहीं है. उसके बाद है जैसे बहुत सारी कंट्रीज में अब अगर हम लाइफस्टाइल देखें चेंज हो रहा है तो चिल्ड्रन आर गिवन मिल्क बेस्ड फार्मूलाज. तो सैंपल फूड्स होते हैं उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं अवेलेबल होते. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर नॉट ब्रेस्टफेड बाय देयर मदर्स ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. तो यहाँ पर भी बहुत सारी डिजीजेज लाइक आईसाइट प्रॉब्लम, एनीमिया एंड रिड्यूस IQ, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बींग फेस्ड बाय द यंगस्टर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो ये बहुत सारे इशूज जो हैं वो रिलेटेड हैं टू द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी कम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जो प्रॉब्लम है वो डिपेंड करती है. यहाँ पर अगर हम इन तीन फैक्टर्स को देखें, वन इज़ पॉवर्टी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम आर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ड्यू टू पॉपुलेशन पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू पॉवर्टी because there will be less education so population is increasing and here due to lack of education poverty is also increasing. So all these are interconnected and there are so many socio-economic causes and climatic causes, agriculture causes which are making the situation even worse. So yahan par kya hai due to population ab yahan par actual mein jo thinking hai Indian mentality hai wo ye hai ki more are the children and more will be the income. So yahan par kya hota hai population badh jati hai तो जितने वो चिल्ड्रन हैं उनको तो प्रॉपर तरीके से आप फूड वगैरह अवेलेबल नहीं करवा पा रहे तो लेस इनकम होगी, लेस फूड होगा, अल्टीमेटली क्या होगा अंडर नरिश सोसाइटी होगी. ऑन द अदर हैंड बिकॉज देयर इज वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है टू फूड वो एडुकेट नहीं है. अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वुमेन जो हैं इस केस में बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज लेस एजुकेशन अमंग द वुमेन. अब अनएजुकेटेड वुमेन हैं उनको अपने जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ठीक नहीं कर पाएंगी.
वो मोस्टली अनीमिक होती हैं। अब क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उसमें क्या है कि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स, तो पुअर हेल्थ एंड देन अगेन देयर इज फर्दर प्रॉब्लम अर्ली मैरिज एंड अल्टीमेटली जो उनके जो चिल्ड्रन होंगे दे विल बी स्टंटेड, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हेल्दी मदर नहीं है तो हेल्दी चाइल्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। और इवन अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ओवरवेट वुमेन है तो उनके भी जो चिल्ड्रन हैं वो स्टंटेड ग्रोथ के हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हिडन हंगर का जो कंसेप्ट आता है कि भाई उनमें जो एसेंशियल मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं उनका हमेशा से कमी रहती है, तो तब भी वो स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। यानी कि हेल्दी डाइट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखें 2015 और 16 का, इस पे बहुत शॉकिंग डाटा आया है कि 1/3 ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स आर स्टंटेड इन इंडिया एंड 1 in every 5 चिल्ड्रन इज वेस्टेड विच इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग थिननेस, ओके, हैविंग वेरी थिन बॉडी एंड मोर देन 50% ऑफ द यंगस्टर्स आर एनीमिक, दे डोंट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन इन देयर ब्लड। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा है इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम प्रीवियसली देखें तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं दे आर अंडर वर्क चल रही है वो, तो गवर्नमेंट ने जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करा था 2013 में, तो इसका क्या था कि बिल्कुल वाइड स्प्रेड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करा जाए ताकि जो पुअर फैमिलीज हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो फूड है वो पर मंथ मिलता रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम इन द स्कूल्स एलिमेंट्री स्कूल वेयर स्टूडेंट्स विल गेट द हेल्दी डाइट अपार्ट फ्रॉम दैट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नरेगा को कंसीडर करें तो डायरेक्टली इसका फूड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर नहीं भी रोल है तो लेकिन ये इनकम को ज़रूर इंक्रीज करेगा, अगर इनकम है तभी वो जाके फूड प्रोक्योर कर पाएंगे। तो नरेगा इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटरिंग द हंगर प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड नेक्स्ट वन इज़ आंगनवाड़ी सिस्टम, वी ऑल नो दैट अंडर द आंगनवाड़ी सिस्टम द प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर गिवन फूड फैसिलिटी and there is health care of small infants is also provided at the Anganwadi system, so it is also playing very important role and government is also providing monetary help to the pregnant and lactating mothers, financial help is also given, so ye bahut sare steps hain jo government utha rahi hai। इसके अलावा एक जो और जो मेजर फैक्टर है वो यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नाउ इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट दैट ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर विच इज़ कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ द क्रॉप्स इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, तो उनके जो असेंशियल विटामिन्स मिनरल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और ये गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए स्टेप्स भी हैं जो हंगर को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो अगर हम इसकी वे फॉरवर्ड की बात करें कि फ्यूचर इस प्रॉब्लम का जो क्या है इंडिया में इसको कैसे टैकल किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, अब हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इनकमिंग ईयर्स में वो कम होगी, बिल्कुल होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या है हमें हाई यील्डिंग वैराइटीज चाहिए सीड्स की और जो कि बायोटेक्नोलॉजी से ही आएंगी। इसके अलावा हम बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉप्स की, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं ताकि कम फूड में भी हमारी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाए, वो अचीव हो जाए। इसके अलावा जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी जो अभिजीत बैनर्जी हैं जिनको इस बार नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, तो उनका जो स्टडी थी वो थी कि ग्लोबल पॉवर्टी को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिनको हम फर्दर अपनी इनकमिंग पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टारगेटिंग ऑफ द सैम्पल्स की हमारे पास प्रॉपर सैम्पल्स होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी है वो किस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को फोकस करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कोई प्रॉब्लम की, हंगर प्रॉब्लम की, तो जैसे पंजाब स्टेट है वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, लेकिन इवन देन हंगर प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, ओके, पॉवर्टी इज आल्सो देयर, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसको हम यूपी की हंगर से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें कुछ अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पंजाब की कुछ और होगी, साउथ की अगर बात करें ओडिशा आंध्र प्रदेश वहाँ की पॉलिसी वहाँ की जो लोकल फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा इसमें एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो
instead of giving free textbooks to the children, or instead of giving more funds or other things to the schools, if you are targeting the weak students directly, so it will result into more इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर. तो ये बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आप प्रॉपर उसको टारगेट करो जो आपका सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन है, तो तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे उसमें पॉलिसीज जो हैं वो सजेशन दिए गए हैं. तो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक फॉर नाउ. तो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.